जीतन राम मांझी को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों बड़े सतर्क हैं। जीतन राम मांझी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, दोनों ही दलों ने चुप्पी साध रखी है जीतन राम मांझी की पार्टी की मांगों पर। दरअसल जीतन राम मांझी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, जो बिहार की महागठबंधन की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में लघु सिंचाई एवं SC ST कल्याण मंत्री भी हैं। अब जब वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 5 लोकसभा सीटों पर हमारी तैयारी है, 5 नहीं भी मिला तो चलेगा लेकिन 4 लोकसभा की सीटें तो मिलनी ही चाहिए। और अब बड़ी दिलचस्प बात है कि संतोष कुमार सुमन ने जिन सीटों का नाम लिया उनमें कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी की परंपरागत सीटें हैं। पूर्णिया को ले लीजिए, जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए 2 सीटें मिली, उनमें एक पूर्णिया भी था नालंदा के साथ साथ। इसके अलावा जहानाबाद की सीट पर भी मांझी की पार्टी का दावा है। अब मांझी की पार्टी की ताकत की बात करें तो महागठबंधन में 7 दल हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं और 5 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को चाहिए। वैसे तो जीतन राम मांझी कहते थे कि कसम खाए हुए कि नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक बात यह भी सच है कि जीतन राम मांझी का जो राजनीतिक मिजाज रहा है, जो उनका इतिहास रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो मेरा मन डोले मेरा तन डोले वाला रहा है। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड का शीर्ष नेतृत्व हो, राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व हो, बिहार में चूंकि महागठबंधन को यही दोनों दल लीड करते हैं तो मांझी के रवैये को लेकर बेहद सतर्क है। अब देखिए, डर इस बात का भी है कि कहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को उदाहरण के तौर पर यह मान लिया जाए कि 4 सीटें दे दी जाए, 4 में वो 2 या 3 सीटें जीत जाए। और उधर NDA भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो बहुमत से पीछे रह जाए तो जीतन राम मांझी की पार्टी कुछ भी कर सकती है, कोई भी फैसला ले सकती है, इधर से उधर हो सकती है। अब आपको जीतन राम मांझी की पार्टी का इतिहास तो पता ही होगा, 2014 में जब लोकसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की हार हुई, नीतीश कुमार की पार्टी को महज 2 सीटें मिली, तो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए नीतीश कुमार ने अपने पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। वो नीतीश कुमार जिन्हें उनके राजनीतिक विरोधी कुर्सी कुमार और कुर्सी का लोभी बताते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने तो कुर्सी छोड़ दी और कुर्सी छोड़कर जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया जीतन राम मांझी की ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षा हाथ पैर मारने लगी और इसी अति महत्वाकांक्षा ने नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को अलग अलग कर दिया। मांझी को अपना पद छोड़ना पड़ गया और नीतीश कुमार पुनः बिहार की गद्दी पर बैठ गए। फिर नीतीश कुमार से अलग होकर, मतलब जिस नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को CM बनाया, मांझी उनके नहीं हुए, मांझी ने अपनी अलग पार्टी बना ली, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, मांझी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, अब नतीजे क्या रहे वो आपको भी पता है। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया, मांझी का मन भारतीय जनता पार्टी से भर गया, वो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो महागठबंधन था UPA के साथ चले आए। लेकिन फिर जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन के साथ चले गए। अब 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, 2 चुनाव आमने सामने हैं, मतलब नज़दीक हैं। अब इन दोनों चुनाव में जीतन राम मांझी क्या करेंगे ये कहना बेहद मुश्किल लग रहा है। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी पर डोरे डाल रही है, उपेंद्र कुशवाहा तो उनके साथ जा चुके हैं, उन्हें सुरक्षा दे दी गई है, वैसे जीतन राम मांझी के साथ होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, जीतन राम मांझी ने कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह से, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनसे दिल्ली में मुलाकात की थी, और वैसे वक्त में मुलाकात की थी जब नीतीश कुमार भी दिल्ली में ही मिशन ऑपोजिशन को धार दे रहे थे और विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे।
दरअसल आपको एक बात बता दें कि जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल में इस बात को लेकर के भी एक चर्चा जरूर है कि कम से कम सीटें इन दलों को देनी चाहिए। दूसरी बात, बिहार विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ था उस दौरान ये चर्चा हुई थी, क्योंकि तत्काल चुनाव के बीच में ही मांझी राजद को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ चले गए थे, कि हो संभव है कि जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवारों को जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाए। परिस्थिति बदली नहीं है, वैसी परिस्थिति आज भी सामने आ सकती है जब बिहार में छोटे छोटे दल देश की राजनीति में भी इधर के उधर ना हो जाए, जीत के हमारे साथ जीतने के बाद कहीं और ना हो जाए। ऐसे में इन पार्टियों के उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी के सिंबल पर आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई दें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि आरजेडी के सिंबल पर लड़ने की उम्मीद तो कम ही है मांझी के उम्मीदवारों की, या मांझी के उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़ना चाहें इसकी भी उम्मीद कम नज़र आती है, और इस बात की भी गुंजाइश नहीं है कि मांझी अपने उम्मीदवारों को जेडीयू के सिंबल पर लड़ाएंगे। लेकिन सीटें इनको उतनी नहीं मिलने जा रही हैं जितने का दावा ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कुछ कहता है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और जीतन राम मांझी की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं इस पर भी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।